हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं, यह हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ हम बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल के आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। सभी 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार हो जाइए, रेडी। अंतरिक्ष में स्थापित किए गए अन्य महत्वपूर्ण उपग्रहों की बात करें तो रीसेट श्रृंखला के उपग्रह तो कई वर्षों से अंतरिक्ष में अपना काम कर रहे हैं। 2008 में मुंबई आतंकी हमलों के बाद रीसेट टू उपग्रह कार्यक्रम को एडवांस रडार प्रणाली के चलते रीसेट वन से ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी। रीसेट टू उपग्रह को मुंबई हमले के बाद स्थापित किया गया था, जो खासतौर पर समुद्री सीमाओं की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। 2016 में पाकिस्तान में की गई सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद बालाकोट में जैश के ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों में रीसेट टू श्रृंखला के उपग्रहों की बहुत बड़ी भूमिका थी। पिछले साल दिसंबर में इसरो ने रीसेट श्रृंखला के अत्याधुनिक उपग्रह रीसेट टू BR-1 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया था। इसमें लगे विशेष प्रकार के सेंसरों के चलते सीमा पार आतंकियों के जमावड़े की सूचना पहले ही मिल जाती है। यह उपग्रह भारतीय सुरक्षा बलों को सीमाओं पर निगरानी रखने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में आतंकी शिविरों की गतिविधियों पर नज़र रखने और समुद्र में दुश्मनों के जहाज़ों का पता लगाने में मदद कर रहा है, जिससे हिंद महासागर में चीनी नौसेना के जहाज़ों और अरब सागर में पाकिस्तानी युद्ध पोतों पर नज़र रखी जा रही है। इसे अंतरिक्ष में भारत की दूसरी खुफिया आंख माना जाता है। एक्स बैंड RAR क्षमता की वजह से यह उपग्रह घने अंधेरे और हर मौसम में किसी खास जगह की साफ तस्वीरें ले सकता है। इसे खासतौर से सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोकने के उद्देश्य से ही तैयार किया गया था। रीसेट टू BR-1 को अंतरिक्ष में स्थापित करने से कुछ ही दिन पहले इसरो ने काटोसेंट श्रृंखला के काटोसेंट 3 उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया था। काटोसेंट सैटेलाइट श्रृंखला के ये सभी उपग्रह भारतीय रिमोट सेंसिंग कार्यक्रम का अहम हिस्सा रहे हैं, जो विशेष रूप से पृथ्वी के संसाधन प्रबंधन और निगरानी के लिए शुरू किए गए हैं। भारत के तटीय इलाकों की बेहद सटीक जानकारी उपलब्ध कराने में काटोसेंट 3 उपग्रह की मदद ली जाती है। इसके अलावा इसका उपयोग सड़कों के नेटवर्क की निगरानी करने, नियमित भौगोलिक स्थितियों में होने वाले बदलावों की जानकारी हासिल करने में किया जाता है। इसरो द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किए जा रहे
अत्याधुनिक भारतीय उपग्रहों की विशेषताओं को देखते हुए इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि इनकी मदद से भारत को अब अपनी सीमाओं पर पैनी नज़र रखने में बड़ी मदद मिलेगी। और ये आने वाले समय में भारत की सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। दरअसल भारतीय सीमाओं का एक बड़ा हिस्सा भौगोलिक रूप से ऐसा है जहां सेनाओं की तैनाती नहीं हो सकती। पाकिस्तान और चीन जैसे देश भारत में घुसपैठ की नापाक गतिविधियों को अंजाम देने में इसी का फायदा उठाते रहते हैं। ऐसे में अंतरिक्ष में काटोसेंट रीसेट 2BR और EOS-01 जैसे इसरो के सीमा के सशक्त प्रहरियों की तैनाती के चलते दुश्मनों की गतिविधियों पर लगाम कसने में मदद मिल सकेगी। मनुष्य अपने विचारों को अपना मौलिक गुण मानता है। मानव सभ्यता का विस्तार मनुष्य के अंतहीन विचार गवाहों से हुआ ऐसा माना जा सकता है। हालांकि इस मान लेने पर भी सब सहमत हों यह जरूरी नहीं, फिर भी विचारों का जो सहज प्रवाह है वह सहमति असहमति या सर्वसम्मति का इनकार नहीं करता, वह प्रवाहमान ही रहता है। और यही हमें नित नए विचारों से निरंतर साक्षात्कार करवाते रहता है। इसी से विचार के इस प्राकृत स्वरूप का कोई व्यक्ति समूह संगठन समाज राय या कोई अन्य साकार निराकार शक्ति ने तो बांध पाई है न खत्म कर सकती है। मनुष्य डर सकता है, झुक सकता है, कारागार में बंद हो सकता है, बिक सकता है, निस्तेज हो सकता है। यह हर मनुष्य की व्यक्तिगत वैचारिक क्षमता और प्रतिबद्धता पर निर्भर है। पर विचार सूर्य की ऊर्जा से भी एक कदम आगे है। विचार अंधेरे में भी मनुष्य को रास्ता दिखाता है। जन्म से दृष्टि बाधित मनुष्य को प्रकाश के की अनुभूति या प्रत्यक्ष संकल्पना नहीं होती है, पर विचार मनुष्य की आँखों की तरह है जो नेत्र ना होने पर देखना और ज्ञान ना होने पर ज्ञान से साक्षात्कार करवाना अज्ञानी को ज्ञानवान और अविचारी को विचार के प्रवाह से सारोकार बिना बताए सतत करता ही रहता है। मनुष्य अपनी व्यक्तिगत या सामूहिक सोच समझ के आधार पर विचार के किसी ही अंश का समर्थक या विरोधी हो सकता है, पर विचार के अस्तित्व को नष्ट नहीं किया जा सकता है। मूलतः केवल प्राकृत विचार ही है, पर मनुष्य ने विचारों में रूप रंग और भांति भांति के भेद मेरे तेरे का भाव और ना जाने कितनी तरह के मत मतांतर को जन्म दिया है। इस तरह मनुष्य ने विचारों को अपने तक अपने वैचारिक
सहमना, समूह, संगठन, समाज, धर्म, दर्शन, आस्था, संस्कार, संस्कृति के दायरे में बांधने की निरंतर कोशिश की, जो आज भी जारी है। इस तरह विचार को व्यक्ति अपनी संपत्ति की तरह मानने लगा। इसी का नतीजा यह हुआ। हेलो गाइस।